ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामायिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर रेड्डी, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है कोरोना के पीक की, देश में पीक कब आएगा। ICMR की एक संस्था ने सर्वे किया है और उसके अनुसार जो परिणाम आए हैं वो ये बता रही है कि लॉकडाउन के कारण भारत में कोरोना का पीक डिले से आएगा और अब इसके नवंबर के आसपास आने की उम्मीद है। इसके पहले एम्स के डायरेक्टर ने कहा था कि ये जून जुलाई के बीच आ सकता है, क्या कहेंगे आप? हम पीक के बारे में यही कहना चाहते हैं कि केसेस का संख्या अगर हम मान के चलें तो वो कब आएगा उसका निर्धारण करना मुश्किल है अभी फिलहाल, क्योंकि लॉकडाउन का असर तो जरूर हुआ है और भारत में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहां पे वायरस अभी ज्यादा फैला नहीं, उसका प्रकोप बहुत ही कम रहा है। पूरा कोशिश यही रहेगा कि केसेस बढ़े नहीं वहां पे भी, और जहां पे अब वायरस का प्रकोप ज्यादा है वहां पे अगर हम केसेस की संख्या कम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, पर क्योंकि काफी जगह वायरस का प्रवेश नहीं हुआ है या बहुत कम मात्रा में हुआ है, हो सकता है कि केसेस का संख्या अब हल्का हल्का बढ़ेगा। मगर हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु कितने हो रहे हैं, क्योंकि केसेस का संख्या एक तो जितने टेस्ट करेंगे उसके ऊपर भी आधारित है। अगर बहुत ज्यादा टेस्ट करेंगे तो ज्यादा केसेस कुछ निकलेंगे तो संख्या तो बढ़ता ही जाएगा, मगर हम अगर मृत्यु की संख्या को रोक सकते हैं या उसको बहुत कम मात्रा में रख सकते हैं तो उसको हम एक सफलता मान सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, आप कह रहे हैं कि वायरस का अगर संक्रमण होता भी है और उसका असर कम हो तो अच्छी बात है। ICMR का एक सीरो सर्वे आया था 2-3 दिन पहले और उस सर्वे के नतीजे आपने देखे ही होंगे कि देश की लगभग एक तिहाई आबादी, जो उन्होंने 70 से अधिक जिलों में जो सर्वेक्षण किया था, उन जिलों में एक तिहाई आबादी में उन्होंने पाया कि लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे, उन्हें पता नहीं चला और वो खुद ब खुद ठीक हो गए। हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारी जिज्ञासा है कि वो कैसे ठीक हुए, क्या हर्ड इम्यूनिटी एक फैक्टर रहा? जी नहीं, एक तो देखिए कि ये जो ICMR का सर्वे है उन्होंने आंकड़े दिए हैं किन जिलों में ये सर्वे हुआ है। कुछ हॉट कंटेनमेंट जोन्स जो बड़े शहरों में किया गया है उसके आंकड़े अभी आने हैं, पर जहां तक हमारा ये जो सर्वे हुआ है वहां पे उन्होंने कहा कि 1% से भी कम, मतलब 0.73% लोगों में ये एंटीबॉडीज का उसका सबूत मिला है, मतलब 1% से कम लोगों को ये वायरस अभी तक छू चुका है उन जिलों में। अगर हम ये मान के चले भी कि बड़े शहरों में कुछ ज्यादा मात्रा में भी वायरस छू चुका होगा, पर अब भारत में मेरे ख्याल से 5 या 6% से बढ़ के तो कभी ये वायरस का अभी प्रकोप नहीं हुआ होगा। अभी तक पीड़ित हुए हैं उनका संख्या कम ही रहेगा, मेरे ख्याल से 2% से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये जिलों का संख्या 1% से कम है, 0.73% है, तो बहुत ही कम लोगों को ये वायरस छू चुका है पूरा भारत में। तो ये हर्ड इम्यूनिटी के लिए आपको 70% तक का चाहिए, तो ये कहाँ 2% और कहाँ 70%, तो इसलिए हर्ड इम्यूनिटी का कोई सबूत है ही नहीं। हर्ड इम्यूनिटी की अभी चर्चा और इसमें संभव नहीं है, क्योंकि जैसा डॉक्टर रेड्डी बता रहे हैं कि अभी बहुत कम लोगों को ये संक्रमण हुआ है। डॉक्टर रेड्डी, अब बहुत सारे लोगों की चिंताएं इस ओर भी है कि उन्हें सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ऑटो में बैठना पड़ रहा है, ई रिक्शा से चलना पड़ रहा है, बसों से ट्रेवल करना पड़ रहा है, रेलगाड़ियां चल रही हैं, ऐसे में वे अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें? देखिए, 3 साधन जो पहले ही बता चुके हैं वो साधन अभी भी हमारे लिए आवश्यक है। एक तो है हम जो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, मतलब कम से कम 1.5-2 मीटर का फासला रखना। ये हर वक्त ये संभव नहीं होता, कई बार हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो लेते हैं, बस वगैरह लेते हैं, तो उसमें हो सकता है कि ये पूरी तरह संभव नहीं है, मगर जिस हद तक हो सके उस हद तक हमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना जरूरी है। मगर हर अवस्था में ये तो देखना बिल्कुल आवश्यक है कि हम मास्क पहन के रखें, उससे कम से कम 50% तक इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। और दूसरा, जब हम घर से निकलते हैं और दफ्तर प्रवेश करते हैं या वापस आते हैं, तब हाथ बिल्कुल धोना या हैंड सैनिटाइजर के मदद से हमें हाथ को साफ रखना बिल्कुल आवश्यक है। अगर मास्क और हाथ की सफाई हम बिल्कुल इसकी दोनों चीजों के ऊपर ध्यान दें तो तब
60% तक ये पाया गया कि प्रोटेक्शन मिलेगा, हमें रक्षा मिलेगी। तो बाकी जो है, जिस हद तक हमें सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो फासला रखने वाली बात है, जिस हद तक कर सकते हैं तो उतना कर सकते हैं। मगर ऑफिस में भी हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम एक तो डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और ये ऐसे छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी ध्यान दें कि लोगों का जो चलना होता है ऑफिस में, एक दिशा में ही चले, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही पहले ही निर्धारण करके चलें, ताकि एक दूसरे से टकरा न जाए। तो इस प्रकार के जो तरकीब अपनाना चाहिए वो पहले ही सोच के रखना चाहिए, और जो सीटिंग वगैरह है उसका भी ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा फासला रखें। डॉक्टर रेड्डी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वाद और सूंघने की क्षमता अगर किसी व्यक्ति की अचानक से खत्म हो जाए तो वो कोरोना के नए लक्षण में शामिल कर लिए गए हैं। अब बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, आप खुद भी इससे अवगत होंगे, जो पहले से ही उनको ENT से जुड़ी समस्या है और वो सूंघने की और उनकी स्वाद की क्षमता कम है, तो अब उन लोगों में एक डर सा पैदा हो गया है कि कहीं वो COVID-19 पॉजिटिव तो नहीं होंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, हमें ये मान के चलना चाहिए कि मेजर सिम्टम्स क्या है और माइनर सिम्टम्स क्या है। मेजर सिम्टम्स यही है कि बुखार, खांसी, खास करके सूखी खांसी और सांस का तकलीफ। बाकी जो माइनर सिम्टम्स जो है, ये सूंघने की शक्ति खो बैठना या स्वाद खो बैठना या जो कहते हैं मसल पेन्स, शरीर में दर्द होना या चिल्स मतलब कंपन होना, ये जो नए चीजें अमेरिका में उन्होंने CDC वालों ने ऐड किया और अभी हमारे यहाँ भी ICMR ने जोड़ दिया, तो इनके पर हमें इतना ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये माइनर सिम्टम्स है और नॉन स्पेसिफिक है, मतलब कोविड के साथ ही नहीं जुड़े हुए हैं। कोई भी वायरल इन्फेक्शन, अगर आपको नजला भी हो जाएगा तो स्वाद स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है। हालांकि इनके ऊपर भी ध्यान इसलिए देना चाहिए कि पहले पहले शायद ऐसे सिम्टम्स से ही हमें संकेत मिलता है। किसी मित्र ने ये बताया कि जनवरी के महीने के पहले जो सर्च जो करते थे भारतीय लोग, तो उसमें ये सूंघने के शक्ति खो बैठने का कोई प्रस्ताव ही नहीं था, बहुत ही कम लोग उसको गूगल में सर्च करते थे। मगर एकदम जनवरी से ये सूंघने की शक्ति खो बैठने का सर्च एकदम बढ़ गया, मतलब तभी से कुछ हमारे ऊपर भी असर पड़ने लग गया, कुछ लोगों को ये पहले ही संकेत मिलने लग गया। तो ऐसे लक्षण भी हम अगर जोड़ लें तो हमें इसका डायग्नोसिस शुरुआत से जल्दी करने के लिए शायद ये मदद करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी का, जिनको सूंघने की शक्ति कुछ कमजोर है या स्वाद कुछ ठीक नहीं लगता, हर एक को कोविड हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये सारे माइनर सिम्टम्स हैं और हम जो कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, मतलब खाली कोविड से जुड़े हुए सिम्टम्स नहीं है। डॉक्टर रेड्डी, आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि बहुत सारे लोग जो मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, जो किसी कपड़े से अपने मुंह और नाक को ढकते हैं, खासकर महिलाएं हो गई, लड़कियां हो गई, या फिर जो ठेले पर सब्जी बेचने वाले लोग हैं वो ज्यादातर कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने उस कपड़े को कितनी बार कब कब धोना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एक ही कपड़े बहुत लंबे समय तक उपयोग करते हैं, वो गंदा भी हो जाता है, लेकिन उनको शायद समझ नहीं है। एक बार आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो सर्जिकल मास्क मिलता है वही खरीद के पहन लें। कपड़े वाला मास्क भी पहन सकते हैं, अगर मोटा वाला कपड़ा है वो दो लेयर मतलब डबल लेयर मास्क बना के पहन सकते हैं। ये आवश्यक यही है कि उसके द्वारा ये वायरस प्रवेश ना कर पाए, मगर वो कपड़े वाला मास्क को धोना बिल्कुल आवश्यक है, इसीलिए कम से कम 2-3 मास्क बना लीजिए कपड़े का, और रोज जो मास्क उतारते हैं उसको धो के रखिए, ताकि दूसरे दिन और एक मास्क पहन ले, फिर तीसरे दिन पहले वाला मास्क पहन ले। तो मास्क को भी साफ रखना बिल्कुल आवश्यक है। मास्क ऐसा नहीं है कि मास्क गंदा भी हो जाए तो वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो ऐसी वाली बात नहीं है। मास्क को भी बिल्कुल साफ रखना आवश्यक है। डॉक्टर रेड्डी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।